कई दिनों से आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, और हम कई दिनों से कई सारी बातें कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को लेके। 6 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन जो था वो पब्लिक था, वेबसाइट पे था, तो मैंने उससे पहले आपको जो है अपडेट दे दिया था। तो मैंने इस बारे में वीडियो बनाना जो है इतना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि जब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि DU खुलने वाला है, थोड़ी सी कुछ बातें जो थी उसमें थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क आया। जैसे कि जो बातें मीटिंग में डिसाइड हुई थी, जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था उससे हटके एक दो बातें आई, वो ये कि भाई फर्स्ट ईयर के बच्चों को और सेकेंड ईयर के बच्चों को अभी नहीं बुलाएंगे, सिर्फ थर्ड ईयर के बच्चों को बुलाएंगे, वो भी थ्योरी क्लासेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे किसी भी बच्चे को, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, या थर्ड ईयर हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को भी इस बात के लिए क्लासेस के लिए जो है नहीं बुलाया जाएगा, जो है वो थर्ड ईयर के, सिर्फ जो है वो थर्ड ईयर के बच्चों को जो है बुलाया जाएगा, चाहे वो लाइब्रेरी फैसिलिटी हो या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो, गाइडेंस हो, उसके बारे में जो थी वो अपडेट थी। और ये तो सबको पता ही है बच्चों की, ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों के सामने। नाउ चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, अब वो कहते हैं कि सर हम आए या नहीं आए हमें नहीं पता, क्योंकि हम दिल्ली पहली बार आ रहे हैं, हमने DU में एडमिशन लिया था, और हम क्योंकि ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं अभी 1.5 ईयर से, तो अब हम क्या करें। तो बच्चों, अगर तो आपको लगता है कि आप अभी यहाँ पे आके यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ आप फेमिलियर होना चाहते हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको फिर आना ही होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी हम नहीं आना चाहते, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम कैसे जो है सब कुछ करेंगे, और हमें कोई बहुत फ़ायदा भी नहीं होने वाला, टू बी वेरी फ्रैंक बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप सब बच्चों से पूछा जाने वाला है, आपके टीचर्स आपसे, मेंटर्स आपसे ये पूछेंगे कि डू यू वॉन्ट टू कम टू द कॉलेज, एंड इफ़ यू ऑल एग्री टू कम देन ओनली दे विल कॉल यू। इफ़ सपोज 2-3 स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू कम, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि टीचर्स यही बोलेंगे कि बाकी सब नहीं आ रहे हैं, तो आप भी फिर जो है, क्योंकि टीचर्स के लिए भी परेशानी वाली बात है, क्योंकि आउट ऑफ 40 की क्लास 2 बच्चे आने को एग्री हो रहे हैं, 38 आने को एग्री नहीं हो रहे हैं, तो कैसे वो मैनेज होगा। 2 बच्चे जो लोकल एरिया में रहते हैं वो कहेंगे हम तो आ जाएंगे, 38 स्टूडेंट जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तो पूरी क्लास को मिल के एक फाइनल डिसीजन लेना होगा, मतलब एक मिल के ये डिसीजन लेना होगा, क्योंकि और दूसरा क्या है, एक सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वैक्सीनेशन बहुत सारे बच्चों की अभी नहीं हुई है, कुछ बच्चे थे वो कह रहे थे सर हम तो अभी 18 के भी नहीं हुए हैं, तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हैं देखने में आ रही हैं कि कई सारी चीज़ें हैं इसमें मोल्ड होने वाली, तो अभी प्रॉब्लम है। तो क्या आपको प्रैक्टिकल के लिए आना चाहिए, फाइनल क्वेश्चन फिर से वहीं अटक जाता है। तो मैं भी सजेशन ये दूंगा कि अभी आने का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं, लोकल बच्चे हैं, तो शायद से आपके आने के अब बेनिफिट होगा। अब मेरे लिए देखिए कितना मुश्किल है, हमारे लिए सपोज़ करिए कि अभी अभी क्लास हमारी 1 बजे शुरू होने वाली है, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी क्लास होगी, अब वो लैब है हमारी, अब हम वो कॉलेज जाके लेते हैं, तो हम क्या करते थे, पहले हम कंप्यूटर के ऊपर पूरा जो है सेटअप तैयार करते थे, जैसे पूरा शो करते थे हर तरीके से। अब क्या है कि वो बच्चे वहाँ कर रहे हैं, तो उनको करते हुए दिखाना, फिर इंटरनेट का उस रूम में अवेलेबल होना, बड़ी सारी दिक्कतें हैं, मतलब ये ग्राउंड रियलिटी बहुत सारी हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी 1.5 ईयर से बंद है, DU भी अभी तक प्रिपेयर नहीं है, कॉलेजेस प्रिपेयर नहीं है, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो देखने आने वाले समय में जब चीज़ें वर्क करेंगी तभी पता चलेगा किस तरीके से होगा। तो शुरू में तो मैं आपको मना करूंगा कि अभी तो आप होल्ड कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, और जैसे जैसे फिर आगे चीज़ें काम करती हैं उसके हिसाब से आपको ये देखना होगा कि आपको आने का बेनिफिट होता है या नहीं होता है। इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे बने रहिएगा मेरे चैनल में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।